हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप भी अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। जब से मैं आई हूँ मुझे अपना फ्रिज में कूलिंग कम लग रही थी, तो मैंने एलजी का फ्रिज है तो मैंने भैया को बुलाया है, तो भैया आके अपना यहाँ देख रहे हैं, कह रहे चेक करते हैं। देखो अंदर पड़ा पड़ा गंद कितना पड़ जाता है भैया, हम सफाई तो कर नहीं सकते। ये डॉगी के बाल हैं, ये डॉगी वाले हमारे सारे। अच्छा, इसमें चले गए, खींचता है बाल, खींचता है। सही है सही है। तो भैया ठीक, देखते हैं क्या है, कंप्रेशर में कमी है या क्या है, कूलिंग कम आ रही है। कल मेरा आटा भी खराब हो गया ना रात को, तो तभी मुझे लगा, मैं कहा नहीं फ्रिज में कुछ ना कुछ कमी है। ये कह रहे हैं कि गैस लीक हो गई है, कंप्रेशर बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो बर्फ जमनी शुरू हो गई है अंदर, ये बर्फ निकाल के क्या करें। वो कह रहे मैं तो नहीं आऊंगा, कोई दूसरा लड़का आएगा तो गैस डाल जाएगा। तो 9 साल हो गए फ्रिज को, 2015 में लिया था, अब 9 साल बाद कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। आखिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो बस अब ये लगा रहे हैं सारा तामझाम जो खोला था। तो वो कब, मतलब कल भी आ सकते हैं वो? नहीं, हो सके तो मैम आज भी आ सकते। आज ही कर दवा देना मैम, कोशिश पूरी यही है। देखो पता क्या, जैसे कंप्लेंट थोड़ी ज्यादा है ना। हाँ, दो छुट्टियां आ गई ना। चलो कोई बात नहीं, फ्रिज हल्का हल्का वर्क तो कर रहा है ना। आज मैंने दूध वगैरह सब कुछ फ्रीजर में डाल दिया था, खराब ना हो। दोपहर के 2 बज गए हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं सोनिया डॉली को बोल रही हूँ कि चलो मंदिर में क्रिया है। पड़ोस में जो लेडीज है, डेथ हो गई थी। जब डेथ हुई थी, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, रात को हुई थी, तो अगले दिन मुझे पता चला था। ये तो हो आए थे, अगले दिन संस्कार था, गोल्डी भी गया था, ये भी गए थे, तो अब क्रिया है। तो सोनिया डॉली और मैं जा रहे हैं, निक्की चली गई ऑफिस, तो घर से कोई ना कोई जाना तो बनता है। तो बस मैं वो ऊपर दोनों तैयार हो रही है, तो मैं उन्हें यही कह रही हूँ कि जल्दी से आ जाओ नीचे हो चले। मैंने इनके लिए रोटी बना के रख दी है, क्योंकि 2:30-3 बजे आते हैं, तो रोटी खा लेंगे। तो बाकी काम सारा हो चुका है, राधा कर रही है सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम हो रहा है। तो फटाफट मैं मंदिर से होके आती हूँ, तो मैं रोटी आके खा लूँगी। बन रही है डिनर में जो माँ की दाल होती है वाइट वाली, तो कन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बड़े दिन से कह रहा था मम्मी वो वाली दाल बनाओ। तो ये थोड़ी बाहबादी होती है, मगर कोई बात नहीं, से अदरक लहसुन वगैरह अच्छा डाल के बना दूंगी। तो पहले मैंने पाव दाल लाई थी 250 ग्राम, मैंने इसको 2-3 घंटे पहले भिगो दी है। भिगो के ये देखो गाइस, ये भिगो दी है मैंने दाल, ये वाइट वाली दाल है। इसमें मैंने डाली है नमक और हल्दी, नमक हल्दी डाल के मैं इसको उबाल रही हूँ। मतलब कि ये ढकूंगी नहीं, कहने का मतलब ऐसे ही उबालूंगी इस, अगर दाल को इसको कुकर में बनाते हैं तो सारी गल जाती है, मज़ा नहीं आता। खड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है, तो इसको मैं उबालूंगी ऐसे ही। तो अभी ये 15-20 मिनट में उबल जाएगी, तो इसमें लगेगा टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया डाल दो, जो भी आप डालना चाहो, तो उसका बनेगा। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है गाइस, जब बनेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हमारे कन्नू को, चीना को, इनको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो दाल मेरी उबल गई है और मैंने इसमें छान दी है, ये देखो अलग अलग है बिल्कुल, कोई चुपकी नहीं है। और ये देखो दाना इसका बिल्कुल ये गल चुका है, एक एक दाना अलग है, एक एक दाना देखो, एक एक दाना अलग है। अगर हम ऐसे कुकर में बनाते हैं ना, हाँ, तो भरता बन जाता है, वो अच्छी नहीं लगती। वो तो और एक तरफ मैंने रख दिया आपके लिए चाय, हाँ, दोपहर को चाय का टाइम हो चुका है। एक तरफ रख दिया है ये प्याज, अच्छा प्याज भून रहे हैं, अभी कच्चे हैं थोड़े से, अच्छा। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैंने डाले हैं टमाटर। और इस दाल के लिए गाइस टमाटर प्याज का जो मसाला है वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि चिपका हुआ मसाला अच्छा लगता है ना, अगर हल्का मसाला होगा तो मजा नहीं आएगा। जितना ज्यादा मसाला होगा तो अच्छा होगा। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ये जरूर डालना है, क्योंकि ये जो दाल होती है ये गैस करती है, बायबादी है, माँ की दाल है ना, तो माँ की दाल किसी को बाई, किसी को स्वादी। नहीं बोलते माँ की दाल किसी स्वादी है, किसी बाटी, हाँ। तो इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालें और हरे धनिये से गार्निश जरूर करें। जब बन जाएगी तो गाइस आपको दिखाऊंगी, आप अपने घर में बनाना, मगर उबाल के बनाना जितनी मर्जी। पहले आप इसको भिगो के रख लेना 2-2.5-3 घंटे, उसके बाद आप उबालोगे तो जल्दी उबल जाएगी, जितना ज्यादा भिगी होगी तो जल्दी उबलेगी, और टाइम ही कम लगेगा। तो बस बनती है, तो मैं गाइस आपको दिखाती हूँ इसकी पूरी सी शकल की कैसी लगती कैसे है, लगती है। क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ। आज पता नहीं कन्नू का कैसे दिल कर गया कि मम्मी ये दाल बनाओ, मैं तो पहले मैं बहुत बनाती थी ये दाल में, और मम्मी इनकी मम्मी दाल ये बहुत बनाती नहीं, ये दाल मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, चिया की, कन्नू की, सबकी फेवरेट है, मगर मेरी इतनी फेवरेट तेरी नहीं है, बाकी है मेरी, कन्नू चिया तीनों की है। हम तो बहुत शौक से खाते हैं, 2 रोटी खानी हो 3 खा लेते हैं, 4 खा लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 बना कोई बात नहीं।
दाल मेरी गाइस बन गई है, देखो कितनी यम्मी लग रही है दाल गाइस, बिल्कुल दाना अलग अलग है, हरे धनिया से गार्निश की है और गरम मसाला भी डाला है, बहुत टेस्टी बनती है गाइस। आप भी अपने घर में ऐसे बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, बहुत अच्छी बनती है, यम्मी है ये। मुझे एक कमेंट आया था कि आंटी जी आप वहाँ पर जो मुंबई में रहे थे तो कौन से होटल में रहे थे, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी अंधेरी में, जो हमारा होटल था अंधेरी में था, मेट्रोपोलिस बिल्कुल सड़क के ऊपर था, यानी कि मेन रोड पे था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, वहाँ से हम कहीं भी आते जाते थे तो हमें ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, तो बहुत अच्छा मतलब कि होटल था और अच्छे कमरे थे, बहुत क्लीन नीट कमरे थे, फर्स्ट क्लास था, देख के एक अच्छी फीलिंग आती थी कि वाकई हम सही जगह पे आ गए, बहुत अच्छे थे। तो बाकी किराया अलग अलग है हर रूम का, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो ये सब हमने ऑनलाइन करवाए थे। और दूसरी बात ये पूछा था कि जब आप फिल्म सिटी में गए थे तो वहाँ कितने की टिकट थी, वहाँ पर 1100 रुपये पर पर्सन की टिकट थी, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे कोई भी हो, सबकी 1100 रुपये थी। तो पहले हमें बस में लेके जाते हैं तो एक मतलब कोच होता है, गाइड होता है, गाइड हमें सारा बताता है कि अनुपमा का ये सीरियल यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये एक ही हॉस्पिटल है, ये एक ही मतलब कि जो जो चीज़ें भी होती है सारी उनकी लाइफ की, तो वो सब बता रहे थे, ये मंदिर है, ये है। तो उसने आधे पौने घंटे बाद हमें उसने कहा कि बस आपका सफ़र यहीं पर ही हमारे साथ ख़त्म होता है, तो अब अंदर आप जाइए पार्क में, पार्क थीम थी, तो वहाँ आपको 3 तरह के शो दिखाए जाएंगे, तो आप 3 शो देखिए, उसके बाद गाड़ी आपको आके ले जाएगी। तो हम 12 बजे मतलब कि हमारा 12 बजे की हमारा वहाँ से शो था, जो हम फिल्म सिटी से 12 बजे हमारी बस निकली थी और हमारी 4:30 बजे बस आई थी, यानी कि 4:30 घंटे हम उन्हीं के साथ रहते हैं और जरा सी भी बोरियत नहीं है, कुछ भी बोरियत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है कि पहला प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, मतलब डांस था अच्छा था डांस, दूसरे में क्रोमा का बताया था भी, ऐसे ऐसे हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, आग आपको दिखती है तो असल में आग नहीं होती, वो पीछे क्रोमा होता है, जो जानवर होते हैं वो असल में नहीं होते, वो सब क्रोमा होते हैं, बहुत अच्छा था। और तीसरे वाले में तो वो मतलब जो 3D एनक डाल के दिखाई थी वो थी। उसके बाद हमने खाया पिया, वहाँ रेस्टोरेंट था, हमने खाया पिया, खा पी के उन्हें आवाज़ आ गई कि बस पे आ जाओ, हम बस पे बैठे तो उन्होंने हमें बाहर छोड़ दिया, फिर वहाँ से हमने कैब की, कैब करके हम होटल में आ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गोलू का फ़ोन आया था कि मम्मी मैं संदीप लक्ष्य और ये सूरज और जैद हम पांचों आ रहे हैं, तो दिल्ली में हमें कोई काम है, हमें अजमेर शरीफ भी जाना है उसको मत्था टेकने के लिए, और पता नहीं एक दो काम भी कह रही थी कौन से हैं, तो आवाज़ इतनी सुनाई नहीं दे रही थी, पीछे से चीकू वगैरह की आवाज़ आ रही थी, तो समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने कहा चलो आएगी तो पता चल जाएगा, तो बस उन्हीं की वेट है। अब जैद पहले आया था और अब फिर आ रहा है, मैं तो बोला कि दो बच्चे उनको भी लेके आओ, तो कहती मम्मी नहीं क्योंकि पायल नहीं आ रही है, तो पायल होती तो सारे बच्चे अच्छे से मतलब कि देख लेते, अब एक बंदा नहीं देख सकता तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जैद को तो माथा टिकाना है अजमेर शरीफ, तो इसलिए उसको तो लेके आना ही ज़रूरी है, तो बहुत आज मन लग जाएगा कि जैद आएगा, गोलू आएगी, लक्ष्य आएगी, लक्ष्य के साथ भी बहुत दिल लगता है, तो वो भी मम्मी मम्मी करती है तो अच्छा लगता है। तो बस अब मैं यही तैयारी कर रही हूँ उनके खाने की, तो मैं कहा बच्चे आएंगे तो खाना वगैरह बनाते हैं, खाते तो थोड़ा थोड़ा ही है, मगर ये मुझे लगता है कि उनकी मनपसंद का बनवा दूँ, क्या मैं उससे पूछती हूँ कि वो क्या खाएंगे, तो मैं वही फटाफट। सब्जी की तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है, एक मैंने बनाई है मूंगी मसूर की दाल, साथ में बन रहे हैं आलू मटर की सब्जी, और साथ में बन रही है ये अभी अभी चटनी बनाई है मैंने, और साथ में अभी ये भिंडी भी बना के रख दी है, तो जो बच्चे खाएंगे तो वही मैं दे दूंगी, और साथ में चावल भी बना देती हूँ थोड़े से। पापा होगी कूड़ेदान से अंदर, होगी कूड़ेदान से अंदर, वहाँ पर आ गई, बाहर गली के बाहर पहुँच गई। अच्छा पहुँच गई है, अच्छा जाऊँ बना, मुझे वैसे लोकेशन भेज देती है, देखो 2 मिनट दिखा रहा है ना, अच्छा जाऊँ बना हुआ है, समझ गया, अब तो वहाँ पहुँच गई, वो मंदिर नहीं है, मंदिर हरी मंदिर, हाँ काली माता मंदिर, काली माता मंदिर जाऊँ, शनिदेवता नहीं आ जाते, अच्छा श्री देवता जाते थे, तो 2-4 मिनट में आ जाएंगे, फिर भी गाइस देखो पौने 11 नहीं पौने बारह बजने वाले हैं, अभी तक बच्चे रिया है, मैंने खाना वाना सब बना के रख दिया, रेडी कर दिया, फोन करके पूछ रही है, अच्छा तेरी ड्रेस अच्छी लग रही थी ना, ये तूने वहाँ पहनी नहीं मुंबई में है ना, लेके गई थी पर पहनी नहीं। ओ जादू नानी बस नहीं आता, कहाँ बात थी, लक्ष्मण जा रहा था आपको देखता है ना,
ये दो बैग इसके हैं छोटे छोटे। सूरज भैया हमारे वो भी है। सूरज भैया लैपटॉप चाहिए। नानी का है, नानी नानी का है, नानी का है। अब इसको थोड़े से रोपना लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ओए जादू पागल, जय जय करो, जय जय, ताली मारो, ताली 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 ताली, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। जादू केली केली कर ले, माछी माछी बुला रही। जादू केली केली कर ले, मासी का ही है, मामा लेके आया था, कन्नू लाया था ये चीना के लिए, कहते गाड़ी में रखने के काम। सारा माहौल बना हुआ है जैद के साथ। जैद आते ही बस सब पागल हो गए। टाइम देखो गाइस, किसी को नींद नहीं आ रही है, डेढ़ बज गए बाहर। आज जैद को भी नींद नहीं आई। मैं कहा 9:30 से लेके 9:30 जाता। इसका जन्मदिन का क्या प्रोग्राम किया? नहीं जैद, एक मिनट, ये देखो जैद को देखो, लगा हुआ है चिया चिया देखने। इसका नाम क्या है चिया का? चिक्की बिक्की, चिक्की बिक्की, खुश हो रहा, देखा ना बच्चों को होता ही है। और कोको पुची कैसे भोंक रही है? ओ देख कौन मिलने आया, देख नानू 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 मिलने आया, नानू भाई मामा आया है, कहता मामा आएगा ही नहीं। ये असल में क्या है, ये नहीं आ रहा किसी के पास। असल में क्या है, उनको वहाँ बच्चे देखने की आदत पड़ गई है, यहाँ नहीं रह पा रहा, ओपरा कर रहा है, कर साल का हो गया ना गुलटी। वो देख के बता दू, ये सारे आपको पिकनिक का है? हाँ सारे खा लेते। आ चल चले, चल जाएगा वहाँ घूम के, मच्छी चिक्की पिक्की से खेल ले। जादू जादू तो देखो इतना का कर ली मामा साथ। हाँ जी हाँ जी, बस रात के बज गए हैं 3:30 गाइस, देखिए पूरे 3:30 बजे हुए हैं। तो जैद भी अभी अभी सो गया है, तो मैंने गोलू को बोला, गोलू तू भी सो जा, चीना को बोला तुम सो जाओ थोड़ा आराम करो, तो सारा दिन की थकी हुई है गाड़ी में, देखो चाहे 6 घंटे बैठो 7 घंटे बैठो थकावट हो ही जाती है। तो मैंने इसको सुला दिया, मैं इस कमरे में आ गई हूँ, तो इसके पापा भी सो गए हैं, देख लो पूछी भी सो गई है, कोको भी सो गई है, और बस मैं अभी अब सोने जा रही हूँ। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और हम जैद के साथ मस्ती करेंगे बहुत ज़्यादा गाइस, बड़ा मज़ा आने वाला है। जब बच्चे घर में आते हैं ना, जो कहते हैं ना आत्मा खुश हो जाती है, वही हाल है। मैंने अभी अभी पायल को फ़ोन भी किया था, मैंने पायल से पूछा था, मैं कहा भाई बात कर रही थी पायल काफ़ी देर तक, मैं कहा वो नहीं आए, तो कभी बच्चों के कारण नहीं आई, तो बच्चे सारे संभाले नहीं जाते, तो जैद को तो आप ही संभालना। कह रही है मम्मी मैं जैद को आपके पास छोड़ के जाऊँगी 2 दिन, तो भाई आप ही संभालना, तो मैंने कहा मैं संभाल लूँगी। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। चीना नींद आ रही है, चल तू भी सो जा, हाँ देख लो। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, जैद की मस्ती के साथ। बाय बाय गाइस।